हम इंडिया से टक्कर नहीं ले सकते, सिंपल इज दैट। दूसरा उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मोहम्मद मोईद, जो कि मोईज है, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो पब्लिक में आके अपोलॉजी इस चीज की करें। मैं राष्ट्रपति मोईजू से औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए कहता हूँ। कासिम इब्राहिम, मालदीव जमहूरी पार्टी। हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें वो मुंह तोड़ जवाब नजर नहीं आता। अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है इसी के ऊपर, कि इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की मां बहने करने बैठे हुए हो। अब बेटा तू बहुत आंखें दिखा रहा है, हमें बहुत आंखें दिखा रहा है। चाइना ये देख रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है। इनको पता है कि चाइना चीखेगा कहां। चाइना फौज से कभी नहीं चीखेगा, चाइना के पेट पे लात मारो चाइना चीखेगा। भारत जो है अब हिंदुस्तान बन चुका है और आलमी सतह पे वो एक हिंदू ताकत के तौर पे उभरेगा। मीजू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है, ये 25 से पहले पहले जाएगा। तो मालदीप इस वक्त, क्योंकि 2 लाख इंडियन हर साल मालदीप सैर करने जाता है, उन्हें तकलीफ हुई कि अपने आइलैंड को क्यों प्रमोट के खिलाफ ही मालदीव्स की आवाम और ऑपोजिशन पार्टीज उठ खड़ी हुई है, जिसकी एक मिसाल हमें पार्लियामेंट के अंदर भी देखने को मिली। स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा, ठीक है, पार्लियामेंट बंद करवाई। मैं ये समझती हूँ कि ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से अब चाइना को घुटनों पे, वो कहते ना कि जी घुटनों पे आ गए। दूसरा उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मोहम्मद मोईद, जो कि मोईज है, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो पब्लिक में आके अपोलॉजी इस चीज की करें। उन्होंने पहला ट्रेडिशन जो तोड़ा था, हमेशा जब भी मालदीव में नया प्रेसिडेंट आता है, रेजिम चेंज होती है, तो सबसे पहले वो प्रेसिडेंट इंडिया जाता है। इस वक्त मोईज साहब जो है उन्होंने इंडिया नहीं गए, उन्होंने पहला दौरा टर्की का किया है और दूसरा दौरा वो उन्होंने मालदीव चाइना का किया। उनकी प्रेसिडेंट मोदी साहब के साथ एक इनफॉर्मल किस्म की मीटिंग हुई दुबई में, जब माहौलियात की मीटिंग थी तो साइड लाइंस पे मुलाकात हुई। अब उनका स्टेटस क्या है, एक तो उनका स्टेटस जो है ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और दूसरा वहां पे इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने उनको हेलीकॉप्टर दिए हैं जो मरीजों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसके 10-15 पायलट है, लेकिन उनको भी कहा गया है कि यहां से आप निकल जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये उनके हालात टेंस हैं। अब जब उनके अंदर देखा जा रहा है कि लोग धड़ाधड़ अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर रहे हैं, एयरलाइन बार बार अपने कैंसिल कर रहे हैं, और उनके हालात, इनको सोचना चाहिए था, $500 मिलियन साल की तिजारत जो है वो मालदीव करता है भारत के साथ, और इसमें दोनों टेंस हैं, दोनों के हालात खराब हैं, एक दूसरे की तरफ से 600 किलोमीटर का फासला है एक दूसरे से, कुछ ज्यादा दूरी भी नहीं है, और साउथ वेस्ट साइड है इसकी, इंडिया के साथ लगती है, तो इसका इस वक्त मालदीव इज अंडर क्राइसिस। लेकिन आखिरी बात जो बताना चाहूंगा, करप्शन के हालात ये है कि चाइना किस तरह करप्ट कर रहा है। आपके बाजवा साहब को उन्होंने पापा जान ले दिए, राजा पक्षा साहब श्रीलंका के, उनको उन्होंने हाथ डाला, उन्होंने भी, उनको भी अय्याशी कराई गई, और एक और सियासतदान है नेपाल के जिनका नाम है केपी शर्मा, उन्होंने भी बड़े पैसे बनाए हैं चाइना से। लेकिन उन तीनों के हालात ये हैं कि बाजवा साहब तो खैर उनको बादशाह थे, उनको तो हाथ लगाने वाला कोई नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, लेकिन राजा पक्षा जो है वो एक इबरत का निशान बन चुके हैं, केपी शर्मा साहब को भी हुकूमत से निकाल दिया गया। इंडिया ते पाकिस्तान जिस दिन अल्लाह की रहमत के सदके दे नाल इक्को हो गए ना, इन्हां नूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जे हिला सकती। हाँ जी, होगा कैसे है, कैसे होगा, वो हिंदू ने करना है तो मुसलमान ने रल के करना है। हाँ जी, इतफाक आपस विच, असी ऐनी गल जानने आ, इंडिया ते पाकिस्तान इक्को हो गया जिस दिन असी अल्लाह की रहमत के सदके नाल अंग्रेज़ के मुल्क च काम करन नहीं जावांगे, वो साढ़े कोल आणगे काम करन। मैनूं वादा हुला शरीक की कसम है, मैं तुहाडे नाल हकी ते मानी गल करन लगा जी, जिस दिन पाकिस्तान ते इंडिया इक्को हो गया असी रिश्का छड्ड देंगे, साढ़े मुल्क च मर्सिडीज़ गड्डी टैक्सी चलेगी जिहड़ी सऊदीया च चल रही है फोर्ड। जबरदस्त, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, हिंदू नूं मेरे सामने लिया के खिलारो फिर मैं उन्हूं कहां, मतलब कि असी दोवें हिंदू ते मुसलमान आपस च इक्को ही है, दुनिया की कोई भी मुल्क रियासत ऐसा नहीं चाहती कि जरा इंडिया तो पाकिस्तान इक्को हो, जिस दिन इक्को हो गए वादा हुला शरीक की कसम है, तो ना पूरे वर्ल्ड के उत्ते तरक्की करा, जापानी भी आके साढ़े आके पैरों हथ ला गए। अच्छा,
मुझे ये बताइएगा, रुकिए 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 मेरे भाई, इधर आ जाए। अच्छा आप जरा दो मिनट मेरी बात सुने, सुकून तो ले ले, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। क्या चला लीजिए, मैं पहले तीमे पर ना गल करनी सी। आपकी जो मर्जी ऐसे मर्जी, आप बात कर ले, मैं आपका इंटरव्यू चला दूंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? दसना क्योंकि मैं लैब है ना अपना टेलीग्राम। भाई मैं आपका चलाऊंगी, मेरे सवाल का पहले जवाब दे दे, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएगा, भारत की पूरी दुनिया में इज्जत क्यों है? ऐसे सस्ता तेल लेना था ना, हम नहीं ले पाए, उनको अमेरिका ने कहा तुम लोगों ने नहीं लेना, उन्होंने बोला भाई तुम लोग कौन होते हो, नहीं कौन होते हो, इंडिया तो पाकिस्तान तो हट के गल करते हैं। मैं ईरान गया ये 2 महीने पहले, उथे 8 रुपए 9 रुपए लीटर तेल है जे पाकिस्तानी। पाकिस्तान से तेल जा रहा है वहां पर क्या? पाकिस्तान च नहीं हो, सानू कह रहे ने साडे को लवो, साडी हुकूमत ही नहीं जानी कि साडा गरीब हुशाल हो। अभी आप भारत पे पाकिस्तान पे बात करें ना, उन्होंने तो आंखें दिखा के अमेरिका को ले लिया तेल साडे हुकमरान करन दे। जरा ज़कात लेके जा, तो वो तो काफी अरसा हो गया IMF के पास नहीं गए, उन्होंने तो कर्जा नहीं लिया, वो तो दुनिया में खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं कर्जे, बांग्लादेश कर्जा दे रहे हैं, सिर्फ वाहद एक पाकिस्तान मुल्क ऐसा है, तो फिर आप कॉल फाड़ के मांग रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि वो भारत से कर्जा ले रहे हैं मेरे भाई? पागल तो ना ना करो। मालदीप ने जिस तरीके से एक रिएक्शन दिखाया था मोदी जी की जो तस्वीरों के ऊपर, उसको लेकर काफी मसला मसाइल बना, कुछ बयानात के ऊपर गर्मी सर्दी हुई, इंडिया की तरफ से बायकॉट मालदीप किया गया। अब जो एक नई डेवलपमेंट हुई है, मालदीप की पार्लियामेंट के अंदर कुछ हल्ला गुल्ला मचा है, उसके बारे में जरा बताइएगा हमारे देखने वालों को। आप ये समझ लें कि इंडिया में भी एक दफा हुआ था पार्लियामेंट में ऐसा हल्ला गुलाल, जहां पर लड़ाई कुर्सियां उठा के फेंकी थी एक दूसरे के ऊपर। पाकिस्तान में तो बहुत दफा हो चुका है जी, तो ये वही काम हुआ है मालदीव में। अब मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये संडे को किस तरह पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है, या तो ये कल की वीडियो है जो आज आई है, क्योंकि बात समझ में नहीं आई मेरे को टाइमिंग की। बहरहाल अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात इसी के ऊपर कि इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की मां बहने करने बैठे हुए हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है मालदीव के अंदर, के नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया अच्छा। जाए, हाँ इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। मीजू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कन्फर्म है, ये 25 से पहले पहले जाएगा, इसकी जो हरकतें हैं। तो ये जो चीज है उसके ऊपर फिर क्या है, क्या मीजू रूलिंग पार्टी है, उसके MPs ने पहले तो सेशन ही नहीं कंडक्ट होने दिया, स्पीकर को बोलने नहीं दिया, स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा, ठीक है, पार्लियामेंट बंद करवाई, मतलब वो बेसिकली वो तानाशाही वाले जो काम होते हैं वो सारे उसने कराए। और बीच में तो कुछ वो कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जहां पर वो खून वून भी निकला, मतलब इतनी गंदी मारी हुई है उनके बीच में। एक को तो वो घसीटा है यूं करके पूरे पार्लियामेंट फ्लोर पे शर्ट से ऐसे करके, तो वो बड़ा गंदा काम हुआ है, वो इतनी अच्छी चीज है नहीं। अब देखें यही होता है जहां पर आप ऐसे लोग कहीं पे भी आएंगे ना, वो ऐसा ही होगा दुनिया में।